जाति धर्म के लोगों को न्याय देने की भूमिका मोदी सरकार की है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने ये स्टेटमेंट खाली मैंने शरद पवार पर किसी ने आरोप किया था कि शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के पेट में खंजीर घुसा है, तब मैं शरद पवार जी के साथ साथ सोनिया गांधी जी के साथ मैं था, तब मुझे मालूम था कि शरद पवार ने जब फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा उठाया था अपोजिशन इसका विरोध करेगी और उसका पार्टी का नुकसान हो सकता है, इसी तरह का पत्र कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा था। उसके बाद अर्जुन सिंह जी ने मीटिंग होने के पहले ही ये पत्र जो है ये पत्र मीडिया को दे दिया और शरद पवार के खिलाफ बहुत बड़ा वातावरण तैयार हुआ। सोनिया गांधी को विरोध करने वाली शरद पवार उनको पार्टी से निकाला है, तो शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के बीच में खंजर घुसा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार के बीच में खंजर घुसा है। तो इसी तरह मेरी भूमिका थी और इसीलिए मुझे लगता है कि आज कोई जब तक नरेंद्र मोदी जी है, जब तक बीजेपी स्ट्रांग है, जब तक आरपीआई उनके साथ है, तब तक दूसरे किसी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलेगा नहीं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है ये शक्तिशाली बनेगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो बहुत जल्दी उनको राज्य का दर्जा भी मिल सकता है और उसके बाद इनका विकास होने के लिए अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसी तरह हम पूरे देश भर को न्याय देने की कोशिश हमारी है। तो आज मैं जम्मू में आया हूँ और जम्मू की जो समस्या है इस समस्या को हल करने की कोशिश मोदी सरकार का कर रही है और जो जो मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो सकता है, जो कैजुअल लेबर है उनको न्याय कैसा मिल सकता है, यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको कैसा न्याय मिल सकता है, इसी तरह सरकार की कोशिश है। और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आना चाहिए और यहाँ की जो बेरोजगारी है उसको खत्म करना चाहिए, यहाँ का पूरा विकास जो है वो होना चाहिए, इसी तरह की भूमिका रिपब्लिकन पार्टी की है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना आज यहाँ